कैसे हैं आप लोग? हेलो माय यूट्यूब फैमिली, तो आप कैसे हो? तो मेरे भाई बढ़िया रहना। तो आप सबका एक बार फिर से वेक्टू बेकार आर गेमिंग की एक न्यू फ्रेश वीडियो में स्वागत है। हाँ, तो फाइनली गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टू नाइट अपडेट की, यानी कि आज रात को 12 बजे हमको हमारे फ्री फायर के अंदर कौन सा न्यू इवेंट या बैनर देखने के लिए मिलेगा। ओके, और इसी के साथ साथ मैं आपके कुछ कमेंट्स भी उठाने वाला हूँ और उनका आंसर भी देने वाला हूँ। तो चलो यार, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और इसी के साथ साथ यहीं पर मेरा आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि गाइस यार, अगर आप इस वीडियो पर न्यू आ रहे हो एंड पहली बार आ रहे हो, तो मेरे भाई आपको वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, तो उसको दबा देना। उसके बाद एक घंटी का निशान आएगा, उसको ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर देना। हाँ, तो फाइनली गाइस यार, यहीं पर मैं आपका सबसे पहला कमेंट देखूं तो आरआर भाई, न्यू इवो बंडल कब आएगा, प्लीज कंफर्म डेट बताओ। तो भाई हमारी जो 19 तारीख को हमको कुछ इस प्रकार का बैनर देखने के लिए मिलेगा हमारे न्यू बंडल का, इवो बंडल का, ठीक है। और यहीं पर अगर आप इवो बंडल की बात करो तो अभी आप अपनी स्क्रीन पर ये बंडल देख पा रहे हो, तो भाई यही हमारा इवो बंडल है और 19 तारीख को हमको हमारे फेडेड व्हील इवेंट के अंदर ये इवो बंडल देखने के लिए मिल जाएगा, बिल्कुल 100% कंफर्म है। और यहाँ पर आप फेडेड व्हील से इसको निकालोगे तो भाई आपको कुछ इस प्रकार से निकलेगा, जो कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होगे। तो भाई ये नॉर्मल है, ठीक है, कोई खास लुकिंग नहीं है, पर अभी आप ये लुकिंग देख पा रहे होगे ना, तो इस लुकिंग के लिए आपको इस बंडल को अपग्रेड करना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हो? हाँ हाँ भाई, हमारा इवो बंडल इवो गन स्किन की तरह अपग्रेड रहेगा और इसके अपग्रेडेड टोकन ये रहे। तो भाई इन टोकनों को लेने के लिए आपको डायमंड खर्च करना पड़ेगा, यानी कि भाई आपका 8-9 हज़ार डायमंड और खर्च होगा। उसके बाद आपको हमारे इस बंडल के अंदर कुछ लुक देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि भाई ये लाल कलर का भी आपको अपग्रेड करना है, एंड इसके बाद आप ये पीले कलर में देख पा रहे होगे। तो भाई ये सब अपडेट होने के बाद ये कलर चेंज करेगा, ठीक है। तो पहले आपको इस बंडल को अपग्रेड करना पड़ेगा, एंड यहीं पर आप इसके एनिमेशन भी परचेस कर सकते हो टोकन की मदद से। एंड आप यहाँ पर देखो कि भाई छाती के अंदर से कुछ बिच्छू टाइप का एनिमेशन निकल रहा है, एंड भाई इसके बाद ये फायरिंग एनिमेशन है, तो यहाँ पर भी आपको टोकन खर्च करना पड़ेगा, जो अभी मैंने आपको बताया था। एंड यहाँ पर ये भगेगा तो पीछे से एक अलग सी साइनिंग मारेगा, तो भाई इसके लिए भी आपको टोकन ही खर्च करना है, ठीक है। तो भाई आपका बहुत सारा टोकन खर्च होगा और टोकन आपको मिलेगा डायमंड में। तो यहाँ पर भाई 1000 डायमंड खर्च होगा आपको इसको बंडल को निकालने में, ठीक है। फेडेड व्हील के अंदर से आप बिल्कुल इजीली 1000 डायमंड में निकाल लोगे इस बंडल को। पर भाई आप इसको अपग्रेड करोगे ना, तो आपका बहुत सारा डायमंड खर्च हो जाएगा, यानी कि भाई 4-5 हज़ार डायमंड तो आपका अपग्रेड करने में लग जाएगा। और हो सकता है आप सारा इसको अपग्रेड करो तो भाई 9-10 हज़ार भी लग सकता है। और इसी के साथ साथ यहीं पर आपका अगला कमेंट है कि राहुल भाई लाइव स्ट्रीम कब करोगे? तो मेरे भाई लाइव स्ट्रीम का भी कोई भी सेटअप नहीं है, तो अभी तो लाइव स्ट्रीम नहीं कर रहे, और करेंगे तो मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता दूंगा 4-5 दिन पहले से कि अपन लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, ठीक है। अभी कोई सेटअप नहीं है, तो अभी तो नहीं कर रहे हैं लाइव। और इसी के साथ साथ भाई कल की टुनाइट अपडेट वीडियो में मैंने आपको 2 इवेंट बताए थे। सबसे पहला तो भाई मोको स्टोर था, जिसके अंदर हमको MP5 की गन स्किन मिलना थी। तो भाई ये मोको स्टोर आ चुका है, एंड यहाँ पर आप 800 डायमंड से लेके 1000 डायमंड के समथिंग में बिल्कुल इजीली ये MP5 की स्किन निकाल लोगे। अब आपके अकाउंट के अंदर 800 डायमंड या 1000 है, MP5 अच्छी लग रही है तो स्पिन कर दो, ठीक है। और इसी के साथ साथ दूसरा इवेंट था हमारा गुड बाय इंक्यूबेटर, तो भाई यहाँ पर ये इवेंट कैंसिल हो गया और हमारा इंक्यूबेटर एक्सचेंज इवेंट आया है, ठीक है। और यहाँ पर भाई हमको अभी तक जितने भी इंक्यूबेटर आए थे ना, सारे इंक्यूबेटर के ब्लू प्रिंट देखने के लिए मिल रहे हैं, और एक ब्लू प्रिंट से हम 20 मैजिक क्यूब फ्रेगमेंट क्लेम कर सकते हैं। एंड यहीं पर सबसे नीचे वाले एक्सचेंज स्टोर में हमको देखने के लिए मिलती है हमारी इंक्यूबेटर वाउचर, एंड एक इंक्यूबेटर वाउचर से हम भाई डायमंड रॉयल, वेपन रॉयल, गोल्ड रॉयल ले सकते हैं। एंड भाई यहीं पर हम एक एवोल्यूशन स्टोन से 5 मैजिक क्यूब फ्रेगमेंट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो भाई कल के दिन तो मैंने आपको डायनो वाला एक्सचेंज इवेंट बताया था, पर भाई डायनो वाला कैंसिल हो गया और गेरिना फ्री फायर ने ये ब्लू प्रिंट वाला दे दिया। तो भाई यहाँ पर छोटी सी कल मिस्टेक हो गई थी मेरे से, और भाई इसीलिए मैं मानता हूँ मेरे से गलती हुई थी, तो भाई सॉरी ब्रो, ठीक है। एंड उम्मीद करता हूँ यार आपको इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा होगा, क्योंकि इवेंट तो आया है पर भाई डायनो बंडल मिस हो गए और मेरे को भी बुरा लगा। भाई ये कैसे हो गया वो तो पता नहीं है, पर भाई कंफर्म लीक से अपडेट निकलते हैं। तो चलो यार, अभी अपन वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपका उठाते हैं अगला कमेंट। भाई कल की गलती के लिए सॉरी ब्रो। और ये क्या भाई, जिसकी गलती थी वही हुआ, आपने बोला था डायनो बंडल आएगा, नहीं आया, सॉरी। हाँ, तो फाइनली गाइस यार, मैंने मेरी गलती कबूल कर ली है। और यहीं पर आपका अगला कमेंट देखे ना, तो आपका अगला कमेंट है कि राहुल भाई मैजिक क्यू स्टोर में चेंज होगा? तो भाई अभी मैजिक क्यू फ्रेगमेंट मिल रहे हैं, तो मैजिक क्यू स्टोर में हमको चेंज देखने के लिए मिल सकता है, पर भाई इसकी कंफर्म डेट और रिवॉर्ड्स का भी पता नहीं चला है, क्या क्या रिवॉर्ड्स मिलेंगे और कितनी तारीख को ये चेंज होगा। और भाई इसका जैसे ही मेरे को पता चलता है तो अगली वीडियो में आपको बता ही दूंगा। और इसी के साथ साथ यहीं पर आपका अगला कमेंट है कि राहुल भाई स्टोन वाला एक्सचेंज इवेंट आएगा? तो भाई ये सही बात है यार, बहुत सारे बंदे अभी
भी कंफ्यूजन में पड़े होंगे कि जो हमारे एवोल्यूशन स्टोन है ना, इसका एक एक्सचेंज इवेंट आएगा जहां पर हमको बंडल मिलेगा, इमोट मिलेगा एंड ओपीओपी रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई भी इवेंट नहीं आ रहा है। तो भाई कृपया करके आपके पास जो भी ब्लू प्रिंट है, जो भी एवोल्यूशन स्टोन है ना, उनके बदले में मैजिक क्यूब फ्रेगमेंट ले लो। और भाई मेरे हिसाब से तो नहीं आ रहा है, पर गैरिना फ्री फायर है वो कुछ भी कर सकती है, आ भी सकता है, पर भाई आने के बिल्कुल भाई 10% चांस है और मेरे हिसाब से तो 1% चांस है और नहीं आ रहा है, ठीक है। और इसी के साथ साथ यहीं पर हम हमारे टुनाइट अपडेट की बात करें ना, तो अभी तक भाई मेरे हाथ कोई भी लीक्स एंड अपडेट नहीं लगा है कि आज रात को 12 बजे हमको हमारे फ्री फायर के अंदर कौन सा न्यू इवेंट या बैनर देखने के लिए मिलेगा। और भाई ये भी लीक्स एंड अपडेट नहीं लगा है कि भाई मॉर्निंग में 9 बजे कोई सा इवेंट आएगा कि नहीं आएगा। तो भाई मैं आपको बताऊं ना, आज कोई भी टुनाइट अपडेट नहीं है, ठीक है। और भाई कल के दिन तो हमारा ईवो बंडल आने ही वाला है। तो उम्मीद करता हूं यार आज की वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। तो मेरा भाई बाय बाय, टाटा, तो लव यू ऑल यूट्यूब फैमिली को, जय हिंद जवाहर, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो मेरा भाई बाय बाय।